अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू कोर्स सी एस सी से चार। तो सी एस सी से चार का लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, इसमें हम आपको इसका कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें ये बताया गया कि स्टूडेंट को फील्ड में किया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसके बारे में बताया जाएगा ताकि फिर जो सी प्लस इम्प्लीमेंट करें ताकि फिर उसको लिए आसानी हो, ठीक है। तो इसकी टेक्स्ट बुक सीरी आपकी ये बुक है, ठीक है। और अब लेक्चर स्टार्ट हो, ठीक है। आप इसमें बता रहे हैं ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, इसको सिंपली हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे उसको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे रियल लाइफ से हैपन होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जैसे कि फर्स्ट पहले हमारे कोई प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्व करनी है, सबसे पहले हम जो है रियल एग्जाम्पल लिखते हैं, नहीं रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसी नहीं कोई फॉल्स एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखते हैं। फिर इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर आते हैं, उसको रखते हैं सामने, फिर उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ला कर इसको देखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ली, वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस रियल, ठीक है। हमारे आसपास के बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, हम खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ली, एक पर्सन है, ठीक है, ये बंदा है। अब उसके बाद एक घर है, एक गाड़ी है और एक ट्री है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं, देखें आप इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से बन सकता है, इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से पता, देखें ये अली है, ठीक है। पीछे शो कर रहे हैं भाई अली है, ये इसके पास हाउस है, ये घर में रहता है, और इसके पास कार है, और इसके पास एक ट्री है, ठीक है। इस घर के ऊपर एक ट्री है, तो इस नंबर से एक ऑब्जेक्ट देख के आप पहचान सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्कूल, ऑब्जेक्ट ऑफ एन स्कूल, स्कूल टीचर्स बुक्स पेन, स्कूल बैग, क्लासरूम, प्लेइंग ग्राउंड एंड सो ऑन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट स्कूल में क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि देखें ऑब्जेक्ट इन स्कूल, एक ऑब्जेक्ट के स्कूल में क्या होगा, स्कूल में एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल में या तो टीचर्स एक ऑब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट होगा, स्कूल बैग होगा, पेन होगा, बुक होगा, प्ले ग्राउंड होगा, क्लासरूम होगा, पेरेंट्स होगा, लाइब्रेरी, उसकी सारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है हमारे लिए काफ़ी आसान कर देती है हमारी प्रॉब्लम को, इन रियल लाइफ जब एग्जाम्पल देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम को आसान कर देती है, तो ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम सोचते हैं, गेस्ट कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है, ठीक है। तो आप आगे हैं तो ये कह रहे हैं, सो वी कैन से दैट इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग कैन बी टेकन इन ऑब्जेक्ट, तो वो कह रहे हैं कि हम डेली लाइफ में हर चीज़ को हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड से बात है, कोई भी चीज़ आता है ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इससे बड़ी और कैसे हो सकती है, ठीक है। आगे तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या होता है, मॉडल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग रियल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडल क्या होता है, एक रियल चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट के बना पर बनी होती है, ठीक है। एक मॉडल भी बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट के पीछे बना होता है, ठीक है। और एक फैक्ट होता है, रियल होती है। मॉडल की एग्जाम्पल के लिए भी आपको एग्जाम्पल दी, एक हाईवे मैप्स होता है, ठीक है। यहाँ हाईवे मैप्स होते हैं, आपको मॉडल है, एक रियल है, जिसके इसकी एक्सेस मौजूद है, ठीक है। आर्किटेक्चर मॉडल्स होते हैं, अगर मॉडल्स को तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने से पहले कोई मॉडल्स तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडल्स, ठीक है। मैप भी हो सकता है, मैकेनिकल मॉडल्स कह रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बना सकते हैं आप, चार्ट बना सकते हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं वो एक मॉडल होगा, ठीक है। अब देखें, अब वो कह रहे हैं मॉडल्स जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, ठीक है। कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी मॉडल बनाते हैं, तो हम उसको पहले सोचते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे मॉडल, ठीक है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम इसका एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसका एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, वो एग्जांपल दी गई, एक बंदा है, कार है, हाउस है, ट्री है, ठीक है। तो वो कहता है अली लिव्स इन हाउस, अली ड्राइव्स अ कार, ठीक है। वो गाड़ी चला सकता है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और स्कूल मॉडल, स्कूल मॉडल में क्या है, हमारे पास सारी चीज़ें थी ऑफर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या टीचर क्या है, स्टूडेंट्स है, प्ले ग्राउंड है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमारे पास टीचर है, स्टूडेंट है, स्कूल बैग है, पेन है, बुक है, प्ले ग्राउंड, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मेन चीज़ क्या ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या है, टीचर टीचर स्टूडेंट, टीचर टीचर या स्टूडेंट, ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। कोई चीज़ को पढ़ाई है, क्या हो गया, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट है, स्कूल बैग, बुक्स एंड पेन, ठीक है। इसे तो सारी चीज़ें क्या हो गई, इंट्रोडक्शन में शामिल हो गई इसके, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। तो वी कैन इजी डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर प्रॉब्लम, ठीक है। हमें कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एक उसका एक मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, जो हमारे सामने होती है उसको हम आसानी से देख के गैस कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन कैन इजी अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये बात कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगी, पिक्चर के फॉर्म में होगी, या वीडियो के फॉर्म में होगी, हम उसे देख के आराम से अंदाजा कर सकते हैं, तो हमारे लिए और आसानी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। वी कैन इजिली इंप्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रोग्राम, हम कोई भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो सकती है, तो उससे पहले हम कोई मॉडल बना लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आगे है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वही कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है कोई भी चीज़ हो सकती है, समथिंग टेंजिबल, यानी कि टेंजिबल मतलब यानी कोई भी चीज़ उसको हम छू सकें, जिसको हम टच कर सकें, ठीक है। तो उसका एक्सेस मौजूद है, अली स्कूल हाउस का, ये क्या हो गया, अली स्कूल हाउस का, इनको हम देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, ठीक है। और समथिंग कॉन्सेप्चुअल होती है, कि बेटी जो कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, इनको हम सो सकते हैं, ठीक है। यानी छू यानी छू नहीं सकते इसको, दैट कैन बी अप्रेंडेड इंटेलेक्चुअल, फॉर एग्जाम्पल टाइम, डेट एंड सो, यानी कि टाइम हो गया, डेट हो गया, इसको हम सो सकते हैं,
कॉन्सेप्चुअल, इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट हैव स्टेट, इसका एक स्टेट होता है, इसका एटीट्यूड होता है, इसका एक वेल डिफाइंड बिहेवियर भी होता है, इसका ऑपरेशन भी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका एक यूनिक आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे के टेंजिबल एंड इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए आप अली इस टेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग सम करेक्टर्स, आप अली है कुछ करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर है, क्या है, आप अली है उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेम है, उसका एज है, ठीक है, उसका नेम और एज क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक उसको बता रहे हैं भाई, उसका नाम अली है, उसकी एज 20 है, कुछ बोल सकते हैं, इसका बिहेवियर क्या, वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो उसका बिहेवियर है, ठीक है। ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं, यानी वॉक है, ईट है। अब इस तरीके से आगे हैं तो वो कह रहा है कि कार इज ऑल्सो टेंजिबल, अब कार है जैसे मतलब वो भी टेंजिबल है, ठीक है, वो भी एक चीज़ है, इसको हम छू सकते हैं। अब उसका क्या है, उसका कलर है, कलर क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, उसका मॉडल क्या है, उसका एट्रीब्यूट, उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर में क्या है, एसेलरेशन आ गई, स्टार्ट, अब कार को स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, गियर चेंज करते हैं, इसका बिहेवियर है, मुख्तलिफ चीज़ें ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसका क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कार यूजिंग इज रजिस्ट्रेशन नंबर, आइडेंटिटी नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इससे हम पहचान लेते हैं भाई ये कार इस बंदे की है या फिर इस कार का ये मॉडल है, ठीक है। तो अब आगे आ रहा है इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट, ऑल्सो कॉलिंग कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब टाइम है, अब टाइम में क्या स्टेट, इसका एट्रीब्यूट है, टाइम में क्या होता है, हॉर्स होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, ये उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है, हॉर्स होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है। अब उसका बिहेवियर क्या, बिहेवियर ये है कि भाई हॉर्स के अंदर होते हैं मिनट्स होते हैं, मिनट्स के अंदर होते हैं सेकंड, चेंज हो रहे हैं, तो उसका बिहेवियर है, ठीक है। मिनट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद हॉर्स है, इस हॉर्स के बाद मतलब पूरे एक दिन के बाद डेट, तो ये सारा क्या उसका बिहेवियर है। तब आगे आप क्या डेट, डेट में क्या एयर, डे, मंथ, क्या उसका स्टेट है, स्टेट चेंज हो रहा है, एयर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, उसका बिहेवियर क्या भाई, एयर के अंदर भी क्या होता है, डेज होते हैं, डेज के अंदर टाइम होता है, टाइम के अंदर मंथ होता है, मंथ के अंदर डे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती है इसमें, तो इसका क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो वी विल असाइन अवर ओन जनरेशन यूनिक आईडी एंड मॉडल फ्रॉम डेटा ऑफ, तो ये क्या है, हम मॉडल बनाते हैं उसका हम आईडी दे सकते हैं, हमारी भी अपनी कोई यूनिक आईडी हो सकती है, ठीक है। तो समरी क्या है, समरी के भाई मॉडल इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सम रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो, ठीक है। कोई भी मॉडल देते हैं हम रियल एग्जांपल के जरिए लेते हैं, ठीक है। इट हेल्प हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट सिनेरियो, क्योंकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट होता है आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। वी कैन यूज ऑब्जेक्ट ओनली बिकॉज इट हैज मैपिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी हम इसलिए मैपिंग करते हैं ताकि हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी टेंजिबल होते हैं, फिजिकल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, रियल में देर में भी मोर देन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनका भी काम नहीं होगा, जैसे कि बोलने विदाउट एनी वर्ल्ड, लाइक स्कूल्स पार्किंग, स्कूल का पार्किंग है, ठीक है, तो लोगों ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या हमारे किसी काम के लिए नहीं होता, ठीक है। वैसे तो काम भी होता है, पार्किंग गाड़ी पार्क करने के लिए काम आता है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा पार्किंग इस्तेमाल में नहीं आता, ठीक है। पार्किंग आवर स्कूल तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। हम इसलिए ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हमारे डेली लाइफ को एग्जामिन देखते हुए, ताकि हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए, हमारे रियल लाइफ की फैमिल देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।